ए गोब्लिन, हाँ बोल। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इधर आ। हाँ बोल। जाने साले, ऐसा कोई किस्म पूछता है? भाग यहाँ से। हाय गाइस, सीओसी गुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं उग्र आपके लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई तू पुशिंग का एक वीडियो रख, और मैं खुद अभी पुशिंग कर रहा नहीं हूँ तो मैं वीडियो टाउन हॉल 9 का तो नहीं रख सकता, बट हाँ TH 10 11 का तो मैं रख सकता हूँ, बिकॉज मेरे क्लिन में भी है TH 10 11 और IYC में तो बिल्डर बेस के है। तो सोचा कि भाई मैं एक वीडियो बना दूँ इसके बारे में, आप सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कैसे आप पुश कर सकते हो TH 10 11 में। तो अभी एक्चुअली मैं आया हूँ महाभारत क्लेन में, जो आपको पता ही होगा इंडिया में नंबर 10 पर है, बेसिकली अभी था नंबर 9 पर, बट मैं आया, मैं और पारितोष आ गए, सो वो थोड़ा नीचे चला गया, बट मैं थोड़े टाइम के लिए ही आया हूँ यहाँ पर स्पेशल आप लोगों को बताने के लिए भाई कैसे आप लोग पुश कर सकते हैं मेन बेस में, या आप टीयर 10 में हो या फिर 11 में हो कैसे आप पुश कर सकते हो। तो मैं आपको एक अटैक रिप्ले दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये करण का अटैक रिप्ले 99% आया हुआ है गाइस। 99% मतलब कि 1%, वो समझ लीजिए 1% कितना, मतलब कि कितना क्लोज अटैक होगा उसका 99%। जैसी तैसी बात नहीं है गाइस, TH 11 पर 99% 3-स्टार करना इजी नहीं है। यहाँ पर TH 9 पर मुझे कुछ बार 99% आते हैं या फिर 95% आते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है कि यार अरे यार इतना ट्राई किया तो भी नहीं आया, तो ये तो TH 11 पर है और इस पर 99%, तो यार बहुत मतलब एक तकलीफ होती है, बट तो भी देखते हैं उसकी अटैक स्ट्रेटेजी कैसे है। तो सबसे पहले तो क्वीन वॉक करवाई, यहाँ पर फनल कर दिया बिकॉज क्वीन वहाँ पर ना चली जाए और यहाँ पर आए, उसको जो भी यहाँ पर जितने भी पोर्शन क्लियर करना हो वो क्वीन कर दे उसकी क्लियर। 40 की क्वीन है गाइस, देख लीजिए, मैक्स क्वीन नहीं है, 40 की उसकी क्वीन है। और यहाँ पर देख लीजिए उसने जायंट रख दिया और पीछे हेलर रख दी, और ईगल स्टार्ट हो चुकी है, बट कुछ फ़ायदा नहीं बिकॉज उसके पीछे हेलर है, तो जायंट की वो ऑब्वियसली लाइफ तो बढ़ा ही देगी, कम करने करेगी नहीं। यहाँ पर देख लीजिए इसने एक बॉलर रखा, क्यों? फनल करने के लिए। एक वल्की रखी यहाँ पर, क्यों? फनल करने के लिए, कि वो जो यहाँ पर बॉलर है वो बाहर ना आए, बाकी बाहर आ जाए तो कोई बात नहीं, बट बॉलर बाहर नहीं आने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी बात है। देख लीजिए इसने फनल किया, ये ऐसे ही नहीं किया, ऐसे क्वीन वॉक स्टार्ट किया, ये राइट साइड का पूरा उसने पोर्शन क्लियर कर दिया, यहाँ पर उसने ये जायंट वॉक करवाई बॉलर के साथ, किंग के साथ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाए उसीलिए। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा उसने पोर्शन क्लियर कर दिया, यहाँ से देख लीजिए स्ट्रेट पूरा एक पोर्शन क्लियर कर दिया, क्यों? क्योंकि अब वो क्या करेगा, उसके पास देख लीजिए एक जंप स्पेल है, वो यहाँ पर एक जंप स्पेल डालेगा और रेक स्पेल डालेगा इस सेंट्रल में टाउन हॉल पर, जब वो वल्केरी को छोड़ेगा तब उसके बाद देखो लीजिए यहाँ पर उसने वल्केरी छोड़ दी, अब वो यहाँ पर वहाँ पर रेक स्पेल डालेगा गाइस। देख लीजिए मैंने आपको बोला ना, ये अटैक स्ट्रेटेजी बहुत ही पॉपुलर है, बट इसमें मेन ध्यान क्या होता है, फनल। मैंने आपको पहले जब बोला था, अगेन बोलता हूँ, फनल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको कोई भी अटैक को परफेक्ट अटैक बनाना है 3-स्टार लेने, तो फनल वो उसने कितना फनल किया, यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन ले लो, इतना फनल किया, क्यों? क्योंकि वो वल्केरी डायरेक्टली अंदर चली जाए और जो टाउन हॉल है, जो टाउन हॉल है वो ख़त्म कर पाए जंप स्पेल और रेक स्पेल दोनों के कारण, दोनों से। बट अनफॉर्चुनेटली 99% आए, बट अब देखते हैं कि भाई किस वजह से 99% आए, यहाँ पर कुछ बाकी तो है नहीं, मे भी टाइम ही कम पड़ा होगा बिकॉज उसके पास हेलर्स, तो देखिए कितनी सारी हेलर्स है, क्वीन की लाइफ पूरी जिंदा है, क्वीन उसके पास पूरी जिंदा है, यहाँ पर किंग है उसकी लाइफ बहुत ही कम है, बट क्वीन और ग्रैंड वार्डन दोनों की लाइफ फुल है, और उसका हीरो भी मैक्स भी नहीं है, 40 की क्वीन है और 11 का ग्रैंड वार्डन है, इस साइड किंग भी 42 का है, सो मे बी टाइम ही कम पड़ा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट अब देखते हैं कि क्या होता है। 24% मे बी कॉर्नर पर रह गया होगा कुछ नहीं, तो भाई ये 99% क्यों यहाँ पर दिखा रहा है, आई डोंट नो। ओके सो मे बी यस, मैंने बोला ना, यहाँ पर देखो एक वॉल गाइस, एक वॉल कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो लोग आप देख लीजिए, एक वॉल की वजह से ये ख़त्म नहीं हो रही, ये एक आर्चर उसने थोड़े टाइम पहले रख दी होती ना, 1-2-3 सेकंड से पहले तो भी हो जाता, देख लीजिए गाइस, सो क्लोज, मतलब कि एक बार अगर चपाट लेकर आल देना क्वीन, वो जो गोल्ड माइन थी उसको मारे ना तो भी गोल्ड माइन ख़त्म हो जाए, इतनी कम लाइफ थी गोल्ड माइन की। सो वो ये लोग वॉर भी अच्छी खेलते हैं, ऐसा नहीं कि भाई पुशिंग क्लेन है टॉप में रहते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, वॉर भी खेलते हैं। देख लीजिए अब इनका वॉर अभी बहुत ही इंप्रूवमेंट लाया है इन्होंने, एक वॉर हारे 2 दिन पहले, सो उन्होंने सामने वालों ने 100 कर दिया, बट उससे पहले देख लीजिए ये पूरा मतलब कि ग्रीन ही है और नीचे वो हारे भी, पता नहीं वो क्यों कुछ प्रॉब्लम होगा, और बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे, 1-1 स्टार से देखो 33 34 33 34,
ये 38-44। सो अभी उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट है, देख लीजिए ये इतनी ज़्यादा वॉल्विन स्टिक, एक साइड पुशिंग चल रहा हो और ये साइड वॉर, एक साथ दो दो हैंडल करना वो जैसी जैसी बात नहीं है। मोस्टली क्लेन क्या कहते हैं, का तो पर्टिकुलर एक पुशर होता है कोई एक बेस में, मिलर बेस में या फिर मेन बेस में, या फिर वॉर क्लेन होता है पूरा, बट एक साथ दो चीज़ हैंडल करनी वो जैसी जैसी बात नहीं है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है सभी क्लैन मेट्स को। सो महाभारत को भाई गुड लक भाई इंडिया में टॉप में हिट करने के लिए, अभी तो नंबर 10 पर है, तो इंडिया में टॉप में हिट करने के लिए एंड ग्लोबल में भी नंबर 1 पर आने के लिए गुड लक। सो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोक दीजिए, ओके एक लाइक बनती है गाइस, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो और अपडेट उसके बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खेलते रहिए द क्लैश ऑफ Clan. Finding life alone.